बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जनाब, आज आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो भाई, हमारे ख़ानदान में मेरे जो ददियाल में जो है सॉरी ननिहाल में ददियाल में नहीं ननिहाल में मेरे शादी है। मेरी अम्मी जो हैं, उनके कज़न हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। बहुत करीबी तो नहीं, मतलब करीबी ही कहेंगे, क्योंकि देखिए, खून के रिश्ते और हों तो ज़रूरी नहीं कि वही करीबी हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि थोड़े दूर के रिश्ते होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उनसे जो है वो बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो बंदा जो है वो उनको ज़्यादा करीब समझने लग जाता है। तो मेरा माशाल्लाह से ये है कि मेरी अम्मी मेरा भी ननिहाल में बहुत ज़्यादा आना जाना है, और मेरी अम्मी का भी स्टार्टिंग से। मेरी अम्मी जो है वो पहली नवासी हुआ करती थी क्या हैं, पहली ही नवासी हैं। तो उसके बाद जो है मैं जो हूँ, मैं भी अपने ननिहाल में पहली ही नवासी हूँ। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब ननिहाल की तरफ जाना जो है वो ज़्यादा हो जाता है हमारा। तो बहरहाल, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आज जो है वो तैयारी कर रही हूँ। अम्मी के कज़न हैं, दोनों ही कज़न्स हैं, जो दुल्हन के दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों ही जो हैं वो अम्मी के कज़न होते हैं। तो उनकी जो है वो बेटी की मेहंदी है, तो काफ़ी टाइम के बाद सब लोगों से मिलना जुलना और होगा। तो आज ज़रा मैं सुबह से उसी तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा होता है ना कि मैं जितना भी जल्दी कर लूँ मुझसे लेट ही हो जाता है। तो इसलिए मैं आज सुबह से तैयारी कर रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं टाइम पर पता नहीं तैयार होंगी या नहीं। तो हादी के मैंने जो है वो कपड़े निकाले हुए हैं जो उसने ईशा की शादी में पहने थे, तो हम सब ने जो है वो वही रीयूज़ करेंगे कपड़ों को, दोबारा से वही वाले पहनेंगे। भाई महंगाई बहुत है भाई। तो ये जो है वो हादी का था, शर्ट है हादी की, और ये इसकी हादी की पैंट है, और ये इसके बाबा की मैंने न्यू शर्ट निकाली है, क्योंकि उसके बाबा तो यही कह रहे थे कि कोई भी जो है वो प्रेस कर दो। मैंने कहा नहीं, अब जो है वो काफ़ी टाइम हो गया, ईशा की शादी में जो है वो पहने थे वही कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं अभी जब भी जाते हैं जहाँ, तो अब आप जो है वो ये नई शर्ट जो है मैं उनके लिए लेकर आई थी न्यू, मैंने कहा अब ये पहने आज, तो आज मैं उनके लिए जो है वो ये प्रेस करूँगी। और ये ब्लैक वाली पैंट भी मैं लेकर आई थी, ज़ैनब मार्केट से ली थी ये भी मैंने उनके लिए। तो ये जो है हाँ, ये ज़ैनब मार्केट से ली थी मैंने। तो ये जो है मैं इनका जो कंट्रास्ट बना के उनको आज ये वाले कपड़े दूंगी। और ये हादिया का है, हादिया आई थिंक अगर आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग देखे हों ईशा की मेहंदी के, तो ये हादिया ने पहना था उसमें प्रीवियस व्लॉग में ये वाला ड्रेस। ये सब मैंने प्रेस के लिए निकाले हुए। और ये जनाब मेरा तो वही है जो ईशा की मेहंदी में मैंने पहना था, वही वाला ड्रेस मैं पहनूंगी। जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक तो मेहंदी भी हो चुकी होगी, तो मैं ये ड्रेस आप लोगों को जो है वो दिखा देती हूँ, रिवील कर देती हूँ। दरअसल ये जो ड्रेस है वो हया को दिया है उसकी खाला ने, इकरा खाला ने, क्योंकि इकरा ने जैसा सेम यही ड्रेस बनाया है उसमें से जो है वो कपड़ा बच गया था। तो इकरा ने कहा मेरी अम्मी से कि खाला आप जो हैं वो हया का इसमें से स्टिच करके दें और शो नहीं करना किसी को भी, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। तो मैंने जो है वो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। और ये हया का जो है वो अम्मी ने स्टिच करके दिया है, कपड़ा वगैरह सब कुछ, ये लेसेस वगैरह सब कुछ जो है वो इकरा ने दिया है। इकरा माशाल्लाह से ना अपनी दर्जन से सब कुछ लेकर, दर्जी से आई थिंक सब कुछ लेकर आ जाती है, फिर वो हया का बनवाती। शायद आप लोगों को याद हो कि आई थिंक ईशा की, हाँ ईशा की निकाह में भी हया ने और इकरा ने जो है वो सेम एज इट इज़ ड्रेस पहना था, वो भी इकरा ने ही उसको दिया था, और इकरा ने कहा था कि इसमें से हया का सेम वैसा ही बनवाओ, तो तब भी उन दोनों का सेम था। मैं आज छोटा सा क्लिप लगा दूंगी उस तस्वीर का। आप लोगों को शायद अगर किसी ने जो है वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो माशाल्लाह तब भी वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। तो आज भी जो है वो हया जो है वो बिल्कुल न्यू ड्रेस पहनेगी, हम सब तो वही पहने हुए पहनेंगे लेकिन हया बिल्कुल न्यू ड्रेस पहनेगी, क्योंकि उसकी इकरा खाला ने जो है वो बनवाया है कि सेम मेरे जैसा होना चाहिए। अब छोटी सी है तो उसका बन भी जाता है छोटे छोटे कपड़ों में। तो इकरा का जो है वो वहाँ उस तरफ से जो है वो ददियाली रिश्ता है, तो इस वजह से इकरा ने माशाल्लाह जो है वो अच्छी तैयारी की, और हमेशा से इकरा की जो तैयारी होती है वो अच्छी ही होती है। तो ये जो है वो सेम इकरा के जैसा ड्रेस पहनेगी। इंशाल्लाह मैं आपकी आपसे जो है वो इकरा और हया की जो है वो दोनों की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी व्लॉग में इंशाल्लाह।
आने वाले व्लॉग में मेहंदी की वीडियो अगर मैं डालूंगी तो, और दूसरा ये कि मैं मेहंदी की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पूरी कोशिश मेरी ये है कि आज का जो होगा वो मेहंदी का व्लॉग होगा, तो मेहंदी के व्लॉग में एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ क्लिप्स ऐसे कि जो मेरी मतलब फैमिली के क्लिप्स होंगे वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, मैं लोगों से को जो है वो नहीं कैप्चर करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने पहले ही बताया था अच्छा लगे ना लगे कोई व्लॉग में नहीं आना चाहता, बस होती है कुछ लोगों की मर्ज़ी, तो मैं जो है वो आप लोग को कुछ छोटे मोटे जो है वो क्लिप ज़रूर आप लोगों से मेहंदी के शेयर करूँगी, ठीक है। मम्मा ये लिफाफे पे नाम लिख दे मुझे, नाम लिख दें इस पे डायरी में, ये रही है सदव पे सर ब्लॉग लिख दें सीना भाई की बेटी, सीना भाई की सदव जी बेटा, सदा फैसल से बहुत सारी होती होंगी, सदा फैसल ब्लॉग की सबको पहचान से। अच्छा, अब मैं इतनी भी फेमस नहीं हुई हूँ कि मुझे इस तरह से पहचान लेंगे वो लोग, तो हमें ब्लॉग्स में जानते हैं ना। हादिया बेटा ये ले लो, ये नानी लेकर आए दो शेड्स, दो शेड्स और ये बाबा का है। अब मस्जिद के पास गई थी घूम के, आ गई आपको घर याद आ गया है, गांचीपाड़े के कोने से आ गई आप। मैं अभी नहा के निकली तो हया फातिमा जो है वो सो गई थी उसके बाबा के पास, तो वो फिर मैंने जो है वो उसका बैग वगैरह बना लिया, हालांकि जाना तो पीछे ही है, पीछे ही गली में ही हमारा कम्युनिटी हॉल है, तो फिर भी अब बच्चा छोटा बच्चा हो तो फिर बड़ा बैग तो साथ रखना ही पड़ता है, तो हया फातिमा की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और इसका बैग बना लिया है, क्योंकि वो ये वाला पहनेगी जो मैंने आपको दिखाया था इकरा के जैसा ड्रेस पहनेगी, तो ये क्या पता इसको लगे चुभे, तो इस वजह से चुभन होने की वजह से जो है वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है, तो मैंने जो है वो दो उसके ड्रेस साथ रख लिए हैं, और ये जो है वो हादिया का ड्रेस है, ये हादिया का ड्रेस है, और मैं आपको अपना दिखाती हूँ, ये जो है वो ये जो है वो मेरा ड्रेस है। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने ये ड्रेस जो है वो ईशु की मेहंदी में पहना था, तो ये जो इसकी जो रेड पाइपिंग लगी हुई है ना, तो उसका ये ज़रा से यहाँ पर कलर निकल गया है इसमें ना, ये ज़रा से इसका कलर निकल गया है, कह रहे मैंने सोचा कि मैं इसमें दुपट्टा वगैरह रख लूँगी, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, ये सेकंड टाइम हालांकि मैं पहन रही हूँ, ईशु की मेहंदी में पहना था और अब वॉश किया तो उसके बाद ये हो गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब पहन लूँगी, क्या कर सकते हैं, और बच्चे भी जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, अब मैं भी जल्दी से जो है वो तैयार हो जाती हूँ। मम्मा जो हैं वो अपने बाल स्ट्रेट करेंगे, हम लोग जो है वो तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग जो है वो निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जो है वो निकलेंगे, और मैं हम लोग आप लोगों से मिलते हैं मेहंदी में, और मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक भी दिखाती हूँ, मेरी फुल लुक देख ही जाइएगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिफोर। गाइस ये है मेरी फुल लुक, और मैंने ये देखी मेरा अपनी चूड़ियाँ मेहंदी का पार्ट जो है वो बाल स्ट्रेट कर रहे हैं, और जो है वो कहते हैं मेरी फुल लुक जो है वो ये है, आप लोगों ने ईशा वाले को ये देखे मेरे पीछे जो है वो ट्राउजर है, और ट्राउजर तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह है, क्योंकि ईशा वाले शादी के ब्लॉग्स तो आप लोगों ने देखे होंगे और ज़रूर ही देखे होंगे, उनकी मेहंदी का अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जाके देखें, और जो है ये दिन देखिएगा, और जिस चीज़ ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी कर दें, और जिस चीज़ अभी तक हमारे ईशा वाले की शादी के ब्लॉग्स ही देखे वो ज़रूर देखिएगा, उसमें ही मेरा ये फुल लुक वाला सूट है, क्योंकि उसी में मैंने फुल लुक दिखाया, अभी मेरे पास हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है, हमें जल्दी जल्दी निकलना है, इस वजह से जो है वो हमारे पास मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक इसी वजह से अभी इस तरह ही दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों को सही से पूरी अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे नानू के फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी आए हम